जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंब तांबुजंग तुंग मालिका डमट्ट मट्ट मट्ट मन्नी नाद वट्ट मर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनो तुनः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमप्प मन्निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 जलल लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम् मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत गंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित गंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी लता भुजंग पिंगल स्फृत फणामणि प्रभा कदंब कुम कुंद्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी सहस्त्र लोचन प्रभर्त शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट का श्रिये चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंज स्फुलिंग निपीत पंत सायकम नमन्निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरोजटाल मस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वला धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका प्रकल्प नेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीत नीतमह प्रबंध बंध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगत दुरंधर प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंज कालिमा प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे
जयत्वदय ब्रवी भ्रम भ्रमद्भुजंग मश्वस द्विनिर्गमत्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवा धिमित धिमित धिमित्वनन् मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। दृष्टि चित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कस्त्र जो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुरिद्धि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रियो समय प्रवर्ति कह कदा सदा शिवं भजामे हम। कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामे हम। मम हि नित्य मेव मुक्त मुत मोत मम स्वम पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरह सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर तन मन में बसे तुम हो भोले रोम रोम के अंदर मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर चारों दिशाओं भोले तेरी ही माया बारिश की बूंदों में तू ही धूप छाया चारों दिशाओं तेरी ही माया बारिश की बूंदों में तू ही धूप छाया रहना है मुझे बाबा भोले बस तेरा ही बनकर मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर
ही सहारा बाबा तुम्हें आसरा हो। बन जाते काम सारे साथ तेरा हो। तुम ही सहारा बाबा तुम ही आसरा हो। बन जाते काम सारे साथ तेरा हो। कट जाते हैं संकट सारे नाम तेरा बस सुनकर। मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर। मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर। तन मन में बसे तुम हो भोले रोम रोम के अंदर। मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर। मेरे भोले बाबा शंकर रहते हो कंकर कंकर। शिवतांडव स्तोत्र के चमत्कारी लाभ। इस स्तोत्र में रावण ने 17 श्लोकों से भगवान शिव की स्तुति गाई है। जब एक बार अहंकारवश रावण ने कैलाश को उठाने का प्रयत्न किया तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थिर कर दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब पीड़ा में रावण ने भगवान शिव की स्तुति की। रावण द्वारा गाई गई यही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अन्य किसी भी पाठ की तुलना में भगवान शिव को अधिक प्रिय है। यह पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह स्तोत्र बहुत चमत्कारिक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र के फायदे और पाठ करने की विधि। जो मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से साधक को साथ ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामना पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से इन सभी विषयों में सफलता प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शनि दोष को कुप्रभावों से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में सर्प योग, काल सर्प योग या पितृ दोष लगा हुआ हो उन्हें भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी को प्रणाम करें और धूप दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। यह पाठ बहुत ऊर्जावान और शक्तिशाली माना गया है, परंतु यह पाठ करते समय किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना न रखें। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाव विस्तले गले वलंब्य लांबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डिनाव डर्वयं चकार चंड तांड तौ तनोतुनं शिव शिवं ओम।
जटाकटाह संभ्रमं भमन्निलिप्प निर्जली विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद् गजव्वलल् ललाटपट्ट पावकी किशोर चंद्र शेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम ओ पिंगल सुप्रणामणि प्रभा कदंब कुंभ्रद्रप्तलिप्ति गब्बदू मुखे मधान सिंध्रपुत्रव मुदरियेय मे दुरे मनोविनोद दुंततम विमुद्रुभूति भर्तरी सहस्रलोच प्रभुते शेष लेख शेखरे प्रसून धोलि धोरणी विधूसरादि पीठभु भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जट्टक सिरे चिराय जायतं चकोर बंधु शेखरा गजव्वलल धनंजयाधरी कृत प्रचंड पंच सायक धराधरेन्द्र नंदनी कुचाम चित्र प्रत्रक प्रकल्प नेक शिल्पनी त्रिलोचने मंत्रिमय ओम शिव शंभु ओम शिव शंभु ओम शिव शंभु ओम शिव शंभु नवीन मेघ मंडली निरद्ध धूतफुस्तुकु निशी निथम्म है प्रबंध बंधु कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तु नोतु कृति सिंधुर कुला निधान बंधुर शिरं जंगम बंधुंधर रंचिदं पुरंचिदं भवंचिदं मखंचिदं गजांचिदं दखांचिदं तमंचिदं भजे विभ्रव धम दुजंगम सुस्दगी निगम तकार भाल हत्य बार धिमी धिमी ग्रम दंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रपति प्रचंड तांडव शिव
शिव शंभु, ओम शिव शिव शंभु, ओम शिव शिव शंभु, ओम शिव शिव शंभु। रश्यदी चत्रयो भुजंगमो कंसजो गरिष्ठ रत्न लोचयो तु हद्दीपक सप्तयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो तमं प्रवं तनं नयो कदाशिवं लिंप निर्झरी निकुंज को डरे वसन विमुक्ति दुर्वधि सदा शिरस्तम जलिंब विमुक्ति लोल लोचनो लाल भाल लग्न कर शिवेति मंत्र मुच्चरम कला सुखी वहम वयम निलिम्बनाथ नागरी कदम्ब मूल मल्लिका निगुंप निक्षरम नमन दुष्णीका मनोरह तनो तु नो मनोमुंदम विनोदिनी महन्शम परिश्चर परम पदम तदम जाती शाम जायह शिव शंभु ओम शिव शिव शंभु ओम शिव शिव शंभु ओम शिव शिव शंभु प्रचंड वारणाल प्रभा सुभ पचारणी महाष्ट सिद्धि कामनी जनावूति जल्पना विमुक्ति विवाह काली कद्वनी जीवेति मंत्र भूषण तगज्जया जायतम् ओम 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 इमिम नित्यमेव मुक्तमुक्तमोस्तं तं तान्तरं गुणान्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरोषु विक्तवासु याति नायतं गतिं विमुद्रहीय देहनाथु शङ्करस्तचिन्तनम् पूजावसाने समर्थे दश्वकत्र गीतम यः शंभु पूजनमिन्द पठति प्रदोषे तस्य स्त्राम रथ वजेन्द्र दूरंगयुक्ताम् लक्ष्मी सदैव सुखी प्रदाति शंभु शंभु भोले सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वांगिरो
यद्यात् कर्म करोमि तद्मदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वाक्वायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा वरादं विहितं अविहितं वा शर्वमेदशमश्व जय जय करुणादेवी श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोले देवादिदेव महादेव की जय। क्यों हिंदू धर्म में सबसे बड़े आराध्य हैं शंकर जी? शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा। शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूप जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। इनकी पूजा सबसे आसान और सरल होती है। देवों के देव महादेव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कृपा से मौत भी टल जाती है। मान्यता है कि भगवान अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान सकते हैं, जो कि आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के ही तीन नेत्र क्यों हैं? वैसे तो ये बात सब जानते ही होंगे कि इस तीसरे नेत्र का इस्तेमाल शिव केवल क्रोध की अवस्था में ही करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। इन्हें सृष्टि में प्रलय का कारक भी कहा जाता है। शिव के तीन नेत्र इस बात का प्रतीक है कि यह इस संसार में व्याप्त तीनों गुण रज तम और सत्व के जनक हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख उनका कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। शिव जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई अचरज की बात नहीं है। महादेव की छवि उनकी तीसरी आंख को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। शिव की तीसरी आंख के रहस्य में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस संदर्भ में एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। ये कथा है कामदेव को तीसरी आंख से भस्म कर देने की कथा। कामदेव ने पापवृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने और प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसके बाद शिव ने अपना ध्यान टूटता देखकर क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली दिव्य अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है, दूसरी चंद्रमा। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकाल कर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियाँ शिव की आंखों से हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुरा कर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। शिव की महिमा निराली है, उनके हर अवतार की एक अनोखी कहानी है। शिव ने अपने अलग अलग स्वरूपों से मनुष्य को एक खास संदेश दिया है। शिव बड़े दयालु हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तब सृष्टि तहस नहस हो जाती है। शिव का नटराज स्वरूप अधिकतर लोगों ने देखा है। गले में नागों का डेरा, पैरों तले दानव।
इस मुद्रा में वह क्रोधित होकर नृत्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने ये स्वरूप व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार तारगम नाम के स्थान पर कुछ साधु निवास करते थे। उन्हें अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह वहाँ रहने वाले हर प्राणी को तुच्छ समझते थे और उनका तिरस्कार करते थे। ऋषियों का अभिमान तोड़ने के लिए शिव गरीब व्यक्ति का रूप धरकर वहाँ पहुँचे और उनकी ज्ञान की परीक्षा ली। मुनिजन ने क्रोध में शिव पर जहरीले सर्पों से वार किया। शिव जी ने उन्हें कंठाहार बना लिया। इस पर ऋषियों का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से अपस्मार नामक राक्षस को जन्म दिया। वह तेज गर्जना कर भगवान शिव की तरफ दौड़ा, लेकिन महादेव ने उसे भी अपने पैरों तले रौंद दिया और नटराज अवतार लेकर वह उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। शिव की महिमा देखकर ऋषियों का अहंकार टूट गया। तभी से शिव के नटराज स्वरूप को अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाला माना जाता है। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी, दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बन माला रुंड माला धारी स्वामी, रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाल शशि धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय
सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे।